जगन्नाथपुरी गए हो कभी? गए हो? जगन्नाथपुरी में हवा के विरुद्ध जगन्नाथपुरी की ध्वजा फहराती है, एम आई राइट? और आज भी जगन्नाथ प्रभु का रथ तब आगे बढ़ता है जब वहां के राजा सोने की बुहारू से, राजा सोने की बुहारू से वो राजमार्ग साफ करते। जब तक राजा नहीं आएंगे, बुहारू नहीं लगाएंगे, तब तक रथ आगे बढ़ा नहीं सकते आप, बढ़ेगा ही नहीं। वहीं की एक सच्ची घटना है और आप सबको प्रेरणा देने वाली घटना है। जो लोग कहते हैं कि कलयुग में भगवान नहीं है, उन लोगों को यह कथा सुननी चाहिए, उन्हें पता चलेगा कि भगवान आज भी है। ये तो हमारी कुबुद्धि के कारण, कुविचारों के कारण, कुसंग के कारण, हमें ऐसा संग मिल गया इसके कारण हम ये मान बैठते हैं कि भगवान नहीं है। भगवान नहीं है बोले हाँ नहीं है, तो एक काम करो, मानो कि भगवान नहीं है तो मान लो। एक काम करो, थोड़ी देर नाक बंद करो, मुंह से सांस मत लेना। बोले से तो हम मर जाएंगे। बोले मरो, ये साधन किसने बनाया कि नाक से सांस जाएगी? ये किसका क्रिएशन है बोलो? कौन से वैज्ञानिक ने बनाया? जब तुम मां के पेट में थे तो मम्मी बना रही थी तुम्हारी नाक आंख कान ये सब सिस्टम? बोलो कौन बना रहा था? जब तुम मां के गर्भ में, तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम कहां जाओगे, ये पूरा क्रिएशन परमात्मा ने कर दिया। नाक से सांस लेनी है, कान से सुनना है, आंखों से देखना है, जिसने तुम्हें देखने की, सोचने की, समझने की, सुनने की, बोलने की, चलने की शक्ति दी, आज हम उसी को कहते हैं कि वो नहीं है, तो ये तो हमारा दुर्भाग्य ही तो है। सच्ची घटना है जगन्नाथपुरी की। एक मछुआरे, जो नाव जिनके पास में नहीं थी, मछुआरे की सच्ची घटना, नाम था रघु। क्या नाम था? ये घटना सच्ची है, मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान से सुन लो, कलयुग की घटना है, जगन्नाथपुरी की घटना है। कई मछुआरे ऐसे होते हैं जिन पे अपनी नाव होती है, कई पे नहीं होती है। मछली पकड़ना ही उनका दायित्व होता है, कर्म होता है, उसी कर्म के माध्यम से वो अपना पेट भी भरते हैं। एक दिन की बात है, ये रघु को बहुत बुरा लगता था कि मैं मछली पकड़ के लाऊं, उसको लगता था ये जीव हत्या है, उसे बड़ी ग्लानी होती थी इस कर्म से। वो भगवान से भी कई बार शिकायत करता था। कई बार तो ऐसा होता था कि माँ, एक तो उनकी माँ थी, एक उनकी पत्नी थी, ये दोनों ने पुश करती रहती, जाओ कुछ लाओ, कुछ जाओ कुछ जाओ, कुछ लाओ कुछ लाओ, तुम जाओ, ऐसे करके पुश करती थी। ये कई बार चले भी जाते थे तो समुद्र के किनारे बैठे रहते, जाल डालते ही नहीं थे, क्योंकि जाल डालेंगे तो कुछ आ ही जाएगा, वो लेके जाना ही पड़ेगा। कई बार खाली हाथ आ जाते थे, माँ पूछती थी क्या हुआ, बोले कुछ मिला ही नहीं। इन्हें सबसे ज्यादा ग्लानी होती थी इसी बात से कि हमें मछली पकड़नी पड़ती है, जीव हत्या करनी पड़ती है, हमें नहीं करना है। भगवान से शिकायत भी करते थे, प्रभु हमारा कल्याण कीजिए, हमें इससे मुक्ति दिलाइए। एक दिन इनकी माताजी ने और इनकी पत्नी ने को बहुत डांटा, तुम ऐसे बैठे बैठे रहते हो कैसे काम चलेगा, हम भूखे रह जाएंगे, भूख से मर जाएंगे, तुम्हें कुछ कार्य करना चाहिए, ऐसे मत करो, जाओ। ये जाल लेके गए, रोते हुए गए कि प्रभु हमें ये सब नहीं करना है, फिर भी आप ऐसा करवाते हो, अब तो पेट इनका भरना है, ये भूखे रह जाएंगे, क्या करें। जाल बिछा दिया, जाल बिछा दिया तो उसमें एक लाल मछली आई, पकड़ में आ गई, लाल मछली जाल में फंस गई। इन्होंने जब निकाला उस जाल को तो उस मछली के मुख से निकला, हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी रक्षा करो, मनुष्य की आवाज में, कलयुग की घटना है, हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी रक्षा करो, ऐसी आवाज निकली। जब ये आवाज निकली मेरे भाई बहन, उसका हृदय कांप गया रघु का, वो रोने लगा, वो उस मछली को लेके भागा जंगल की तरफ, घर की तरफ नहीं, जंगल की तरफ, जंगल की तरफ भागा। वहां पर कुछ झरने थे, सात तालाब थे, उन्हीं में से एक तालाब में उस मछली को फेंक दिया।
मैं तुझे नहीं मारूंगा, मैं तुझे नहीं मारूंगा, और वहीं जिद करके बैठ गया कि अब मैं घर भी नहीं जाऊंगा। तुम्हें जो करना है सो करो ठाकुर, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, अब मैं ये जीव हत्या नहीं करूंगा। बैठ गया वहीं। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, जब तीन दिन हुए तो एक बूढ़े ब्राह्मण वहां के निकले। बूढ़े ब्राह्मण जब वहां के निकले तो बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, अरे रघु तू यहां बैठा है, तेरी तो पूरे गांव में तलाश हो रही है, तू यहां क्या कर रहा है? अरे बोले, नहीं महाराज, मुझे गांव बाम में नहीं रहना, मैं तो यहीं मरूंगा, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं पकड़ना मछली। अब भगवान और कोई काम करवाते नहीं, भगवान हमारी व्यवस्था करते नहीं, भगवान हमारे खाने पीने की व्यवस्था करते नहीं, और जो व्यवस्था की है वो हम करना चाहते नहीं। ब्राह्मण देवता बोले, भगवान ने तो की थी, तुम स्वीकार ही नहीं कर रहे। भगवान ने कहां कर दी? बोले की थी, तीन दिन पहले तुम्हें मछली मिली थी ना, जिसके मुंह से ये निकला था, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। अगर तुम उसे पकड़ लेते तो तुम्हारे सारे काम सिद्ध हो जाते, पर तुम ठहरे महात्मा आदमी, तुमने उसको इस तालाब में फेंक दिया, और तालाब में भी एक विराट मछली के रूप में भगवान ने उसको दर्शन दिया था। अब वो सोचे कि मछली वाली घटना मुझे और भगवान को छोड़ के, मीन्स मछली को छोड़ के और तो किसी को पता नहीं, इसका मतलब है ये पंडित जी साधारण नहीं। तो वो दौड़ के चरणों में लिपट गए, बोले प्रभु आप बताओ हो कौन? अरे बोले हम तो पंडित जी। बोलना आप पंडित जी नहीं हो, कोई तो बात है, ये बात तो मेरे और उस मछली के अलावा किसी को पता ही नहीं, आप सच्ची सच्ची बताओ कौन हो? मुझे मालूम है आप जगन्नाथ हो, अगर आपने मुझे दर्शन नहीं दिया तो मैं इसी तालाब में अभी कूदूंगा और प्राण त्याग दूंगा। तब भगवान मेरे जगन्नाथ प्रभु ने उनको साक्षात दर्शन दिया, साक्षात दर्शन दिया जगन्नाथ प्रभु ने उस रघु को, और कहा कि अब तू घर चला जा, तेरे सारे काम अपने आप से धोते चले जाएंगे, अब तुझे मछली पकड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तू मेरा भजन कर, अब देख तेरे काम कैसे कैसे होते हैं। ठीक है भाई, प्रणाम किए, घर आया। गांव वाले उल्टा सीधा बोल रहे थे, बना बाबा जी का बच्चा, घर में सब भूखे मर रहे हैं। दुनिया वाले ऐसे ही है, जब आप सच्ची भक्ति करोगे तो दुनिया वाले गाली दिए बिना मानेंगे नहीं, और जब दुनिया तुम्हें अच्छे अच्छे श्लोक सुनाना शुरू करे ना तो समझना सही पकड़ लिया आपने, एकदम भोपाल की तरफ जा रहे हो, बाया भोपाल टू वृंदावन, सही दिशा है। किस किस को वृंदावन प्यारा लगता है? हाथ तो ऐसे उठा रहे जैसे वृंदावन में रहेंगे। रीवा में रहते हुए भी ये सोचो कि मैं वृंदावन में वास कर रहा हूं, तो वृंदावन का ही फल आपको रीवा में रहते रहते मिलेगा। तो मेरे प्यारे, घर में जब आए तो गांव वालों ने सुनाई, मां ने भी कुछ सुनाई, लेकिन जब पत्नी के पास पहुंचे तो, और दिन तो पत्नी बड़ा डांटती थी, आज पत्नी ने बड़े आदर से बैठाला और कहा, सुनते हो, पहले तो मैं डर गई थी कि आप कहां हो, तीन दिन से आपका पता नहीं चल रहा था, मैं डर गई थी आप कहां चले गए, परंतु पता है आपके जाने के बाद यहां के जो गांव के जो मुखिया थे उन्हें पता चला इनके घर में कुछ खाने को नहीं है, न जाने किसने प्रेरणा दी उन्हें, तो वो हमें कुछ खाने के लिए अन्न इत्यादि राशन भिजवाया। जिस दिन से उन्होंने राशन भिजवाया हमारे घर में अब कोई कमी नहीं रही, अपने आप ही सारी व्यवस्था चलती चली जा रही है। महाराज रघु को तो पता ही था कि ये सब भगवान की लीला है, वो तो दर्शन करके आया ही था, उन्हें तो मालूम ही था कि ये सारा अरेंजमेंट भगवान ने ही किया है। अब तो लीला बढ़ने लगी, अब भगवान ने क्या किया मालूम? लोग कोई आते, अरे भैया रघु तुम तो बड़े अच्छे हो, देखो हमारा बच्चा बीमार है, जिस बच्चे के बीमार बच्चे के सर पे रघु हाथ धर देते बच्चा ठीक हो जाता, किसी के बच्चे की विवाह में लेट होता रघु से पूछता और रघु कह देता चिंता मत करो जगन्नाथ का भजन करो, अब तुम्हारा विवाह जल्दी शीघ्र हो जाएगा तुम्हारे बच्चे का, वो विवाह हो जाता। कहने का मतलब है कि उसकी वाणी सिद्ध हो गई। उसकी वाणी सिद्ध किससे हुई?
भगवत कृपा से। ये जो आप लोग कहते हैं ना कि महाराज फलाना जो महाराज कह देते वो सब सही हो जाता है, महाराज के कहने से कुछ नहीं होता। जो ठाकुर जी के नाम के आश्रित होते हैं, ठाकुर जी उनके वचनों की पूर्ति वो स्वयं करते हैं। देखो जिन पे भरोसा ही नहीं है, जो झूठी झूठ बोलते हैं उनका तो गारंटी क्या है, लेकिन जो सत्य बोले, जो भगवान के हों, उनके लिए संसार में कोई असुविधाजनक स्थिति नहीं होती। जो 24 घंटे भगवान का नाम लेते कथा कहते उनके मुंह से जो निकल जाए सत्य ही होता है। भगवान करते वो नहीं करते, उनकी कोई पावर नहीं, उनकी कोई ताकत नहीं है, भगवान वचन सत्य करते। हुआ भी यही। अब तो महाराज रघु की बड़ी ख्याति हो गई। एक दिन जगन्नाथ प्रभु ने रघु को स्वप्न में आके कहा, रघु बोल जी प्रभु, आज हम तुम्हारे हाथ का भोजन करना चाहते हैं, तुम्हारे घर में आके भोजन करेंगे। जगन्नाथ प्रभु स्वप्न में कह रहे हैं, भगवान आप तो जगन्नाथपुरी में विराज रहे हैं, आप इस दास के यहाँ कैसे आएंगे, मैं तो 10 कोस दूरी पे हूँ जगन्नाथपुरी से। भगवान बोले, चाहे जो हमने कह दिया हम भोजन तुम्हारे यहाँ करने आ रहे हैं तो आ रहे हैं, तुम तैयारी करो। बोल ठीक है प्रभु। सुबह पत्नी को उठाया, जल्दी उठो जल्दी उठो, घर में चौका लगाओ, चूल्हा लेपो जल्दी से, सारे बर्तन स्वच्छ करो। क्यों, ऐसा कोई मेहमान आ रहा है क्या? अरे दुनिया का ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मेहमान आज हमारे अतिथि बनकर आ रहा है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा देवता मेहमान जो है, इससे बड़ा मेहमान कोई नहीं हो सकता। अरे क्या हो गया, कौन आ रहा है बताओ तो। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम कुछ मत पूछो, बस तैयारियां करो। स्वयं जगन्नाथ प्रभु पधार रहे तुम्हारे घर में भोजन करेंगे। अरे महाराज काय को पागल बन रहे हो, हैं? राजा का वो व्यवस्था, जगन्नाथ प्रभु इतना बड़ा भोजन व्यवस्था उनका होता है, उतनी बड़ी व्यवस्था को छोड़ के तुम्हारे यहाँ आएंगे। अरे स्वप्न स्वप्न ही होता है, इनमें मत पड़ो। बोले तुमसे जो कहा है वही करो, आगे जगन्नाथ जो करेंगे वही होगा। बड़ी सुंदर कथा है मेरे भैया, क्या बताएं तुम्हारी से बड़ा। अब वहां जगन्नाथ प्रभु भोग लगाए प्रभु को, पटबंद किए, और जैसे ही पटबंद किए थोड़ी देर बाद पट खोले तो आज प्रभु ने कोई भोग स्वीकार नहीं किया मंदिर में। ब्राह्मण देव भागे राजा के पास, महाराज महाराज अनर्थ हो गया। क्या हो गया? बोले प्रभु आज से बड़ा अनर्थ ऐसा नहीं हुआ, आज प्रभु ने कोई भोग स्वीकार ही नहीं किया। राजा दौड़ा चौकट पे सर पटकने लगा, हे प्रभु इस दास से क्या अपराध हो गया, हे प्रभु क्या अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो मेरे मालिक, मेरे प्रभु जो अपराध हुआ वो क्षमा कर दो, पर बता दो मुझसे अपराध क्या हुआ, आपने भोजन स्वीकार क्यों नहीं किया। राजा ऐसे कह ही रहे थे तो राजा को शब्द सुनाई पड़ा, राजा तेरा कोई अपराध नहीं हुआ है, आज मैं रघु के यहां भोजन करने आया हूं, आज मैं रघु के यहां भोजन, तेरा अपराध नहीं, अब मैं आज यहां भोजन कर रहा हूं, तेरे यहां तो नित्य करता हूं। प्रभु कहाँ है? रघु बोले यहां से 10 कोस दूरी पे। तुरंत रथ तैयार किया, घोड़े पे सवार हुआ, रथ को छोड़ दिया, अपने 10-5 सैनिक लिए भागो, प्रभु वहां है। दौड़ के पहुंचा और वहां जाके जो दृश्य देखा, आहा आनंद करने वाला वो दृश्य था। कैसा दृश्य था? रघु दिख रहा है, रघु की पत्नी दिख रही है, रघु कैसे दिख रहा है, रघु ऐसे दिख रहा है जैसे किसी को भोजन करा रहा है, ऐसे हाथ दिख रहा है, भोजन का वो प्रसाद लेते हुए भी दिख रहा है, किसी की तरफ बढ़ाते हुए भी दिख रहा है, लेकिन किसकी तरफ बढ़ा रहा है वो नहीं दिख रहा है। राजा रघु के चरण पकड़ के पूछ रहा है, रघु तुम्हें प्रणाम करता हूं भैया, कोटि कोटि नमन करता हूं भैया, बड़े भाग्यवान हो तुम, ये तो बताओ किसको भोग लगा रहे हो? अरे चुप करो, प्रभु भोग लगा रहे हैं, प्रभु भोग लगा रहे हैं, प्रभु बैठे हैं वहां, अरे वहीं विराजमान है, मैं अपने हाथ से खिला रहा हूं, वो कह रहे अपने हाथ से खिलाओ। महाराज राजा सर पटकने लगा, अब तो मैं यही मरूंगा, यही मरूंगा, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया, मुझे दर्शन नहीं दे,
आप इसके हाथ से खा रहे हो, रघु के हाथ से, पर मुझे दर्शन भी नहीं दे रहे आप। भगवान राजा की सेवा से, राजा बड़े धर्मात्मा थे, बड़े प्रसन्न हुए। अब वहां तीन लोगों को दिख रहे भगवान, रघु को, रघु की पत्नी को और राजा को। राजा की आंखों से झरझर आंसू बह रहा है और रघु की पत्नी बड़ी खुश होकर भगवान को परोस रही है और ठाकुर जी को रघु अपने हाथों से पवा रहे हैं। ये अद्भुत दृश्य देखकर राजा जो है समझो सागर में डुबकी लगा रहा है, प्रेमानंद के सागर में। महाराज जय हो, भैया रघु तूने हमारी इस पूरी जगन्नाथपुरी को धन्य कर दिया। देखो संसार में कोई छोटा बड़ा नहीं है, जिसने भगवान की पूजा नहीं की वही सबसे छोटा है, जो भगवान का न बन सका हो वही सबसे छोटा है, और जिसने भगवान को स्वीकार कर लिया इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा वही है, वही है। भगवान ने कहा राजा से, राजन जी महाराज एक काम करो। क्या? बोले अब ये रघु, रघु की माँ, रघु की पत्नी जगन्नाथपुरी में रहने चाहिए, इनके लिए निवास की व्यवस्था करो, इनके भोजन की व्यवस्था करो। और बोले महाराज आप काहे चिंता कर रहे, मेरे महल में ही रह लेंगे, मैं खाली कर दूंगा महल इनके लिए, रहें प्रभु सब आप ही का है, आप जो आज्ञा करेंगे वो होगा। रघु अब तू इस गांव में नहीं रहेगा, रघु अब तू चल महल में रहना, सेवा करना मेरे प्रभु की, और भैया हम तेरी सेवा करें। अगर भगवान तक न पहुंच सको तो कोई बात नहीं, जो भगवान तक पहुंचे हुए हैं तुम उन्हीं तक पहुंचने की कोशिश कर लो, उसी में तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा।